कोरोना संकट के दौरान इस बार लॉकडाउन पीरियड में पड़ने वाले ईद के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। सोहारा में पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह रजावत की अध्यक्षता में ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी रही तो आगे भी ईद, होली, दीपावली हर त्योहार आएंगे। इसीलिए कोरोना के संकट को देखते हुए खुद को, समाज को सुरक्षित रखना हर व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान कुछ लोगों ने ईद के बाद लॉकडाउन खोले जाने का सुझाव भी दिया, जिस पर क्षेत्राधिकारी ने जिलाधिकारी से बात करने की बात की। सिहारा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ अभी निकलेंगे तो हम ये चाह रहे थे कि सर हमने आपके उस पर भी भेजा, आपके व्हाट्सएप पर भी सर्वे भेजा, अनिल सर के भी सर्वे भेजा है, पूरी मार्केट का जायजा लिया गया और पूरे शहर का जायजा लिया। सर एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला कि जो ये चाहता हो कि मार्केट खुली। तो इसको ईद में जो है जब भीड़ होगी सर, मीना मार्केट है, सर ने देखा है सर इतनी आवाज चीखते चीखते थक जाती है, हमने देखा है। तो अपने माइक अपने आप ये चिप्पी नहीं लगाते, मुंह से ऐलान करते हैं सर चीज, उसके बावजूद पब्लिक नहीं मानती। ये जाके सर ईद में मान जाए नामुमकिन है। शेर इमाम साहब का भी सारे इमामों का कहना यही है कि ईद के मौके में बिल्कुल ना चल जाए, वरना तो मुसलमान जरूर मुलविस हो जाएंगे और उसकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा। अच्छी तरह पहले से जानते हैं क्योंकि 2 महीने लगातार आप लॉकडाउन में हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं वही अलविदा में और आपकी ईद में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन किसी तरीके का नहीं है। सबके लिए पूरे देश में वही नियम कायदा वही सबके लिए लागू रहेगा, अलग से कोई किसी के लिए नियम कायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर सब लोग जिंदा रहे, हम लोग जिंदा रहे, तो ईद, होली, दिवाली सब त्यौहार हर साल आएंगे। तो आप लोग जैसा कि अभी एसओ साहब ने पूरा डिटेल में आपको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और जो नियम कायदे हैं, बाजार भी पूरा खुल रहा है, वो भी एक शिफ्टों में खुलेगा, ऐसा नहीं कि सारा बाजार खुल जाए। उसमें डीएम साहब ने जो अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि किन वस्तुओं का बाजार सोमवार, बुध और शनिवार में खुलेगा, किनका मंगल, बृहस्पति और अलग अलग डेट दी है उसमें, और कुछ सामानों का बाजार रोज खुलेगा, जैसा परचून की दुकानें हैं, दूध है, बेकरी है, इस तरीके से उसी तरीके से मार्केट भी खोले। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसा अब तक आप लोग करते आ रहे हैं। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोरोना पेशेंट बढ़ेंगे और फिर कोरोना पेशेंट बढ़ने से, जैसे मान लिया अगर शिवारा में ही कोई पेशेंट निकल आया तो पूरा शिवारा चारों तरफ से सील हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, दूध, खाना पीना सब, फिर उसमें बड़ी दिक्कत होगी, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होगी। तो कुल मिला के जिस तरीके से अब तक आप लोग करते रहे उसी तरीके से कराएं। और ये कोरोना का जो संक्रमण है ये महीना दो महीना, ये नहीं कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा। अब इसी तरीके से हमें आपको जीना पड़ेगा, इस तरीके से मुंह पे मास्क लगा के, इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, बड़े बड़े फंक्शन में आप नहीं जा पाएंगे, जहाँ इकट्ठे होने की बात है वहाँ इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो पाएंगे।